फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर या फिर नो वन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट फॉर्म या फिर नो पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन बताइए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसको क्या नहीं कर सकती है देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी आप लोग फिर मैं बताती हूँ देखिए डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव ना ही वो पर्सन किसी पे केस कर सकते हैं आपस में ना ही किसी थर्ड पार्टी पे कर सकते हैं और ना ही थर्ड पार्टी उन पर कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट right आंसर है नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है ओनली कब जब वो विल ऑफ पार्टनरशिप हो विल ऑफ मैनेजमेंट हो बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव बताइए देखिए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में तब करेगी जब वो पार्टनरशिप एट विल स्टार्ट की गई होगी एट वो आ, जो भी पार्टनरशिप है विल पे स्टार्ट की गई होगी मैनेजमेंट की विल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा से उसको स्टार्ट किया है तब वो एग्जिस्टेंस में आती है लॉफुल बिजनेस करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ये की जाती है ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्टनरशिप एंड्स विद इशूइंग इशुंगफर्मेशन इन दिस रिगार्ड पार्टनरशिप एंड होती है इन्फॉर्मेशन कब इशू करने पर देर इज नो ऑब्जेक्टिव फॉर सच पार्टनर जब उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता पार्टनरशिप बेस्ड होती है प्योरली ऑन विल या फिर पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड के लिए होती है या फिर पार्टनरशिप का जो पीरियड होता है वो डेफिनेट होता है बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा जब कोई भी पार्टनरशिप विल पे स्टार्ट की जाती है तब वो आ, कभी भी एंड कर सकती है बस उसे एक सिंपल नोटिस पब्लिकली इशू करना होगा कि हाँ अब वो अपने जो भी बिजनेस है उसको वो स्टॉप कर रही है उस पार्टनरशिप को वो एंड कर रही है ठीक है भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ नोन एज अब कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पज से हो की गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप स्पेसिफिक पार्टनरशिप वॉलेंट्री पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप आंसर करिए बहुत ही सिंपल है नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज से की जा रही है तो उसको हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप बोलेंगे ठीक है बी यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया नेक्स्ट देखिए अ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी परसेंट डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप बीस लोगों बिजनेस किया जा रहा है बीस लोगों के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे पार्टनरशिप पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी या फिर लीगल कंपनी देखिये यहाँ पे इीगल तो कट गया क्योंकि इीगल तो हम उसको बोलते हैं जो इलीगल वर्क करती है ठीक है ट्वेंटी कंपनी हम किसको बोलेंगे ट्वेंटी पर्सन की कंपनी क्या कही जाएगी ये हमारी कही जाएगी एक पार्टनरशिप ठीक है ऑप्शन ए नेक्स्ट है अ पार्टनर हैविंग नो स्टॉक्स इन फर्म इज़ नोन अब कोई भी पार्टनर का कोई भी स्टॉक नहीं है एक ऐसा पार्टनर जिसके पास कोई भी स्टॉक नहीं है फर्म में तो वो क्या कहेगा इनएक्टिव पार्टनर नॉमिनल पार्टनर माइनर पार्टनर या फिर एक्चुअल पार्टनर देखिए इस तरह के पार्टनर हमारे कहलाते हैं इनएक्टिव पार्टनर जिसका कोई भी स्टॉक कंपनी के अंदर नहीं होता ये कंपनी के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में भी काम नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए अब पार्टनरशिप लीगली नॉट रिकोगनाइज इन इंडिया इज अब कोई भी पार्टनरशिप लीगली रिकोगनाइज नहीं है इंडिया के अंदर कौन सी जनरल पार्टनरशिप स्पेसिफिक लिमिटेड पार्टनरशिप या फिर वॉल्ट्री पार्टनरशिप बताइए क्या होगा आंसर इंडिया के अंदर कौन से पार्टनरशिप को वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है वो है हमारी लिमिटेड लिमिटेड को लीगली यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है सबकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको इनकरेक्ट लगता है फर्म इज डिजोल्ड पार्टनरशिप रिमेन्स इंटैक्ट पार्टनरशिप विद डि इंटैक्ट पार्टनरशिप इज डिजोल्व फर्म इज ऑल्सो डिजोल्व कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि जो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ तो आपको पता होगा कि इसमें आप कौन सा ऑप्शंस गलत लग रहा है आंसर करिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर आपका देखिए इनकरेक्ट की बात करें तो बी हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई लेकिन फॉर्म्स रिमेन्स इंटैक्ट है ठीक है बताइए क्या लगता है आपको आंसर इसका ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूं क्योंकि इस पर मैंने आपको शॉर्ट बनाई थी और आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है इसका आंसर आप करिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि वो किसने देखा था और किस किस को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

क्या लग रहा है आपको देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी वो पार्टनर बन सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए कोई भी माइनर पार्टनर तब भी बन सकता है जब आ, उसमें ये सब मेंशन होगा कि कंपनी की जो भी लॉस है उसको बियर नहीं करने हैं कंपनी के सिर्फ वो प्रॉफिट लेगा क्योंकि एक माइनर को सिर्फ प्रॉफिट लेने का राइट right होता है और उसके जो भी खर्चे हैं या कंपनी के जो भी लॉस हैं उसको उसमें किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करना है ठीक है तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट शेयरिंग अब प्रॉफिट शेयरिंग है क्या आपको बताना है कौन सी करेक्टरिस्टिक है इसेंशियल है केवल एक ऑब्जेक्टिव है फाइनल रिजल्ट है या फिर नॉट वेल डिफाइंड क्या लगता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह की है पार्टनरशिप की करेक्टिस्टिक जल्दी बताइए देखिए पार्टनरशिप की कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक भी बोल सकते हैं इसेंशियल भी बोल सकते हैं होती हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एन इसेंशियल प्रॉफिट शेयरिंग एक इसेंशियल करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की और इसेंशियल में कौन कौन सा आ जाएगा जैसे कि टू और मोर पर्सन होना चाहिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए ठीक है ये सब इसकी इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द ऑफ पार्टनरशिप डीड डीट लॉस इज शेयर पार्टनरशिप डेट के में, किया जाता है क्या इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू फंक्शनल पार्टिसिपेशन इन डे टू डे ऑपरेशन या फिर नॉट वेल डिफाइंड क्या लगता है इसको आंसर आपको पार्टनरशिप की डीड में प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से शेयर किया जाएगा देखें, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इक्वली अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है, इक्वली जो भी पार्टनर्स होंगे नहीं तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इज अब पार्टनरशिप में फर्म है, है, है क्या एन लीगल एसोसिएशन कैन डू बिजनेस पेइंग दी कैन डू बिजनेस ओनली आफ्टर टेकिंग स्पेशल परमिशन कैन डू बिजनेस अंडर सर्टन सर्टेन बाइंडिंग्स बताइए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में क्या है क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर देखिए आंसर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में कुछ बाइंडिंग्स हो जाती हैं जैसे कि वो किसी पे केस नहीं कर सकता कोई पर, वो आपस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्प्यूट होगा तो पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो भी रजिस्टर्ड होते हैं उस तरह के बेनिफिट्स इनको नहीं मिलेंगे ठीक है तो ये कुछ बाइंडिंग्स होती हैं जो या हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में ठीक है नेक्स्ट देखिए अब पार्टनरशिप फर्म अरेंजेस कैपिटल अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैपिटल अरेंज करती है थ्रू फ्लोटिंग शेयर इन द मार्केट थ्रू फ्लोटिंग डिवेंचर इन कैपिटल मार्केट थ्रू म्यूचुअली एम्प्लॉयड कैपिटल या फिर ऑल ऑफ दी क्या लगता है आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म किस तरह से अरेंज करेगी कैपिटल को देखिए ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं वो फ्लोटिंग शेयर के थ्रू भी कर सकती है डिवेंचर्स के थ्रू भी कर सकती है और म्यूचुअली कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि वो खुद के रूप से भी आपस में सब लोग इकट्ठा करके भी कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्लूड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इसमें से कौन सा फैक्टर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड नहीं होता कॉन्फिडेंशलिटी इंडिविजुअल मैनेजमेंट कंटिन्यूस एक्जिस्टेंस या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताइए आपको वो फैक्टर बताना है जो पार्टनरशिप में नहीं होता देखिए राइट आंसर हो क्या हो जाएगा बी इंडिविजुअल मैनेजमेंट इसमें इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं तो सबका मैनेजमेंट होगा सब पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के अंदर ठीक है तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट के यहाँ पर हम बोल सकते हैं लैक होता है कॉन्फिडेंशलिटी तो होती है क्योंकि कोई भी चीज़ होगी वो सिर्फ जितने मेम्बर्स हैं उनको पता है बाहर वाले को किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है

एक पार्टनरशिप फॉर्म को कब रजिस्टर किया जाता है बहुत ही सिंपल है इजिली आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा डी इस्टब्लिशमेंट के बाद आप कभी भी उस फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हैं यानी कि आपने इस्टेब्लिशमेंट कराया उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे वहाँ पर अपनी कंपनी का नाम जितने मेंबर्स हैं उनका एड्रेस और क्या कैपिटल रहेगी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को देंगे और वहाँ पर फिर अपनी कंपनी को जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है उसको आप रजिस्टर कराएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड फॉर्म

क्या हो जाएगा आंसर देखिए यहाँ पर अभी यह भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अगर अनरजिस्टर्ड फॉर्म का कोई पार्टनर है तो उसको राइट नहीं होता कि वो किसी के ऊपर केस करे आ, या फिर कोई उसके ऊपर करे या वो फॉर्म के ऊपर करे यानी कि कोई भी आपस में यहाँ पे केस का इनको राइट नहीं होता है ना फॉर्म कर सकती है पार्टनर के ऊपर ना पार्टनर कर सकते हैं पार्टनर के ऊपर ना ही पार्टनर कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर ओके

देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंपली हमारा लॉस ये लॉस को बताएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है डेबिट साइड ज़्यादा है और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती तो ये आपकी प्रॉफिट को बताती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू दी इट इज इम्प्लाइड डेट ओल्ड पार्टनर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर इक्वल प्रोपोर्शन बताइए एग्रीमेंट की एबसेंस में ये इम्प्लाइड है कि ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे न्यू पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ क्या uh, कितने शेयर में करेंगे कैपिटल के शेयर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट की एबसेंस है यानी कि एग्रीमेंट इनका कोई भी नहीं है तो इस केस में अगर कोई भी ओट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट करता है न्यू पार्टनर के साथ यानी कि कोई नया पार्टनर आ रहा है ठीक है तो जो पुराने साझेदार हैं उसको अपना जो लाभ देंगे वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए देंगे ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि पुराने साझेदार नए साझेदारों को लाभ के हिस्से के अनुपात में योगदान देंगे वो हो जाएगा हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन पार्टनरशिप एम ऑफ अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज़ टू मेक प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ अ पार्टनर मेक सफिशेंट कैश अवेलेबल टू सेटल द क्लेम्स ऑफ हीयस ऑफ द डिसीज पार्टनर स्ट्रेंथ इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म या फिर नन ऑफ द अबव कौन सा आपको यहाँ पर राइट आंसर लगता है पार्टनरशिप फर्म का में जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है उसका एम क्या होता है देखिए यहाँ पर इसका जो एम होगा वो होगा सफिशिएंट कैश अवेलेबल कराना कोई भी जो हेयर है उसको डिसीज पार्टनर के हेयर को देने के लिए ठीक है तो यहाँ पर भी राइट right आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर ऑल ऑफ दीज क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पर बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कब करते हो आप लोग देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एडमिशन के टाइम पर भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे रिटायरमेंट के टाइम पर भी और डेथ के टाइम पर भी ये तीनों ही ऐसी कंडीशन है जब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है तो ये था आज का क्वेश्चन आज थोड़ा शोर्ट था उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी आई एम रियली सॉरी लेकिन क्लास भी करना जरूरी था तो आई होप किसी भी तरह के कोई भी क्वेरी लगती है आपको क्वेश्चन में तो प्लीज नीचे क्वेश्चन में uh, जरूर बताइएगा सॉरी uh, आज क्लास में बहुत शोर था तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी लेकिन क्वेश्चन आई थिंक आपको सारे क्लियर हुए होंगे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ठीक है और कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय